नमस्कार, दीपास किचन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे टमाटर का चटनी। तो चलिए टमाटर का चटनी बनाना शुरू करते हैं। टमाटर का चटनी बनाने के लिए दो बड़ा साइज का टमाटर को छोटा छोटा पीसेस में कट कर लिया है। अब एक प्रेशर कुकर में सारे टमाटर भर देंगे। डाल देंगे थोड़ा सा पानी। आधी चम्मच नमक, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, एक चम्मच छिला हुआ अदरक। प्रेशर कुकर को बंद कर देंगे और दो सीटी बजने तक टमाटर को पकाएंगे। दो सीटी हमारा ऑलरेडी बज चुका है। अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। देखिए टमाटर कितना अच्छे से बॉईल हो चुका है। अब एक मिक्सर जार में भर लेंगे और ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड कर लिया है, अब इसे छान लेंगे। चटनी के लिए पल्प निकाल लेंगे और छिलका फेंक देंगे। देखिए टमाटर को छान के पल्प ले लिया है। अब इसे तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में ले लिया है 2 चम्मच रिफाइन ऑयल। ऑयल थोड़ा पकने के बाद डाल देंगे सूखा लाल मिर्च और थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा सरसों। जीरा सरसों थोड़ा चटकने के बाद इसमें डाल देंगे टमाटर। सारे टमाटर को ऐड कर देंगे। इसमें हम अलग से नमक और हल्दी नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि बॉईल करने के टाइम नमक और हल्दी दे दिया है, इसीलिए हम इसमें नमक हल्दी नहीं ऐड करेंगे। और डाल देंगे 1/3 कप चीनी। चीनी डाल दिया है। 2-4 मिनट टमाटर को पकाएंगे। टमाटर हमारा पक चुका है। देखिए हमारा चटनी बिल्कुल रेडी हो गया है। आप ये रेसिपी घर पे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको टमाटर का चटनी लाजवाब लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिया हुआ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।